2024 के काउंटडाउन के तौर पर अगर महारण या फिर सेमीफाइनल देखा जाए तो आज उसकी तारीखों का ऐलान होने वाला है। जैसे किसी बड़े वर्ल्ड कप आप क्रिकेट में देख रहे हैं, वैसे ही माना जा सकता है कि ये सेमीफाइनल्स का मुकाबला है जिसमें 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान अब से ठीक 2 घंटे बाद चुनाव आयोग कर देगा। चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना या फिर मिजोरम, इन तमाम राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान होगा और इसी के साथ ये भी तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तरफ से, क्योंकि कम से कम इनमें से 3 राज्यों में सीधा मुकाबला राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। अब ऐसे में अपने उम्मीदवारों की सूची भी इन दोनों पार्टियों ने जारी नहीं की है। आज की तारीखों के बाद वो सरगर्मी तेज हो जाएगी। जाति जनगणना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर पार्टियां क्या रुख अपनाती हैं। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो तेलंगाना में क्या केसीआर एक बार फिर से अपने गढ़ को बचा पाएंगे, और वहीं मिजोरम की 40 सीटों में भी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है क्योंकि 40 में से 39 सीटें यहां पर एसटी के लिए रिजर्व है। बहरहाल जो बड़ी तस्वीर है वो कुछ देर में उभर जाएगी क्योंकि 2 राज्यों में माना जा रहा है कि ये मुमकिन है कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में अलग अलग फेज में, 2 फेज में चुनाव हो। यहां की संवेदनशीलता को देखते हुए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ में देखते हुए, वहीं मिजोरम में अगर इससे पहले हिंसा का दौर चला है तो उसकी वजह से भी ऐसा मुमकिन है कि 2 फेजेस में चुनाव हो। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तीनों राज्य दिलचस्प है कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो तीनों राज्य कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन कांग्रेस ने जीतने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी। और आज 1 घंटे 55 मिनट बाद इन तमाम राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार यहां स्टूडियो में है, संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त चुनाव आयोग से जुड़ रहे हैं, शरद सीधा राजस्थान से जुड़ रहे हैं, तो हमारे साथ हमारी सहयोगी रायपुर से जुड़ रही है रूमी दुमी, जो कि बताएंगे कि वहां पर कितनी बड़ी ये लड़ाई है कम से कम भूपेश सिंह बघेल के लिए। सबसे पहले आपका रुख करते हुए संजय शर्मा, क्या खबर आ रही है? आप इसके लिए जाने जाते हैं कि चुनाव आयोग जो अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है उसके बारे में आप पहले ही कुछ कुछ जानकारियां हमारे दर्शकों को दे देते हैं, तो आज कौन सी बड़ी जानकारी दे रहे हैं? क्या माने 2 राज्यों में 2 फेज में चुनाव हो सकता है लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़? हाँ बताइए। खबर तो यह है कि अभी तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकता है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम, तेलंगाना, इसमें 1 चरण में ही चुनाव कराने की बात कही जा रही है। अब ये तो देखना होगा कि निर्वाचन आयोग ने क्या कार्यक्रम बनाया है, लेकिन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाए, सही टाइम पर शुरू हो जाए, तो इसके बाद लगभग 12:40-45 पर चुनावी कार्यक्रम का नंबर आ जाता है क्योंकि चुनाव आयोग पहले सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भूमिका के साथ करता है, बैकग्राउंडर के साथ करता है, क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, कितने ऑब्जर्वर्स होंगे, कितने बूथ हैं, कितनी जनसंख्या है, कितने वोटर हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, किन किन तरह के बूथ बनाए जाएंगे, पिंक बूथ, विकलांग दिव्यांग संचालित बूथ और इस तरह से युवाओं के संचालन में पूरा बूथ होगा, तो इस तरह से 3-4 तरह के बूथ होंगे। इसके अलावा 80 साल से उम्र के कितने राज्य में कितने मतदाता हैं और 100 साल से ऊपर के कितने हैं, उनके लिए क्या क्या इंतजाम है, पहली बार निर्वाचन आयोग किन किन चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन कौन सी सुविधाएं होंगी, इन तमाम चीजों पर बातचीत करता है और सबसे आखिर में नंबर आता है उस चुनावी कार्यक्रम का। जैसे हम कोई भी कथा सुनते हैं तो फलश्रुति सबसे आखिर में बताई जाती है कि इस कथा को, इस व्रत को करने का क्या लाभ मिलता है, क्या पुण्य है, तो वो फलश्रुति सबसे आखिर में, उसके लिए आपको पूरी कथा सुननी पड़ती है और उसके बाद आपको फलश्रुति सुनाई पड़ती है कि आखिर निर्वाचन आयोग ने कौन सा कार्यक्रम क्या रखा है, मतदान कब होंगे, मतगणना कब होगी। तो ये कहा जा रहा है कि जी उसी कथा, उसी भूमिका में वो बड़ी चुनौती होती है जो चुनाव आयोग को सफल तरीके से करना रहता है, और कितने बड़े मैग्नीट्यूड में भारत में चुनाव होते हैं, कितने बूथ होते हैं, कितने लोग उसमें शामिल होते हैं, कितने वोटर्स होते हैं, सुरक्षा की क्या तैयारी रहती है, ये सब बताना भी उनका फर्ज है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। शरद हमारे साथ बने हुए हैं, सुमी राजप्पन हमारे साथ रायपुर से है, हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ रही है, ऐश्वर्या पालेवाल भी जुड़ रही है। शरद,
गहलोत के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है ये, और खासकर तब जब उन्होंने अध्यक्ष पद कांग्रेस पार्टी का लगभग नकार दिया था मिलने के बाद, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी ज्यादा प्रिय थी। अब असल इम्तिहान है, वोटर्स तय करेंगे कि वो कुर्सी उनकी बने रहेगी या नहीं। बिल्कुल अंजना, सही कह रही, राजस्थान में चुनाव तो इस लिहाज से हो रहा है, क्या सचिन पायलट चेहरा होंगे, अशोक गहलोत चेहरा होंगे, वसुंधरा राजे का क्या होगा। मगर देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। पहली बार मैं 25 साल में देख रहा हूं, और कम से कम बीजेपी की राजनीति में तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना चेहरे का चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की एक बड़ी टेस्टिंग है, उन्होंने बड़ा दांव लगाया है जब कहा है कि मोदी ही गारंटी है और कमल के फूल पर वोट दो आप। उधर RCWC की मीटिंग है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं, OBC को लेकर बड़ा दांव चुनाव से पहले खेलना चाहती है कांग्रेस। आम चुनाव से पहले वो इन चुनावों में ओबीसी के दांव को टेस्ट करना चाहती है। हमारे साथ राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चुनाव का बिगुल बज गया है, आप तैयारी लग रही है आपको कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 156? मैं समझता हूं कि अब जब विज्ञापनों का सिलसिला बंद होगा और जब सरकार के धन की लूट पर सिर्फ कागजों में अखबारों में अशोक गहलोत जी ने अपना महिमा मंडन जो पिछले 3 महीने से किया वो सिलसिला बंद होगा, धरातल की लड़ाई लड़ी जाएगी। उस समय मालूम पड़ेगा कांग्रेस को खंदक की लड़ाई में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। एक चीज जो हम जानना चाहते हैं, पहली बार आप इतने दिन से बीजेपी में बहुत सबसे वरिष्ठ नेता हैं, पहली बार बीजेपी बिना चेहरे के जा रही, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, इस बार कह रहे हैं कमल का फूल। देखिए, जब हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े नेता का चेहरा है और जिनकी गारंटी G20 ने दुनिया में मानी, जिनके संदेश पर हिंदुस्तान के बाहर भी लोग अपना मन बनाते हैं, तो फिर उससे बड़ा चेहरा कौन हो सकता है। मोदी जी का चेहरा और कमल का फूल और मोदी जी का ऐलान, मोदी ही गारंटी है। और मैं कहता हूं मोदी है तो मुमकिन है, इस बार ऐसा मुमकिन होगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी के लिहाज से करा है कि आप लोगों ने कहा था कि जल्दी सूची आ जाएगी, इतने ज्यादा मंथन हो रहा है, इतना दौरा हो रहा है, आप लोगों का नाम तय नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, अभी आज आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अब खंदक की लड़ाई में सेनाएं तैनात होगी, कांग्रेस बीजेपी की आमने सामने सेनापति तय होंगे, तब वो सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह ये सचिन पायलट का गुट है, ये अशोक गहलोत का गुट है, ये निर्गुट है, वैसा नहीं चलेगा। हम सब लोग कमल के फूल के साथ खड़े हैं, हमारा आलाकमान जिनको भी तिलक लगाकर भेजेगा उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी हो जाएगी। तो आप कह रहे नहीं चलेगा, मगर चल तो रहा है ना, गुट तो है वसुंधरा राजे का। वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आपने देखा होगा पिछले दिनों, चाहे परिवर्तन यात्रा हो चाहे हर जगह पर वो स्वीकृत करती है। ठीक है, रोज रात को जो हमारे कोर कमेटी की मीटिंग होती है वर्चुअली, उसमें हमसे हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करती है, इसलिए वो हमसे अलग नहीं है। जी 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 अंजना, तो कुल मिलाकर अब तस्वीर साफ है शरद, यहाँ पर जिनके साथ आप खड़े हैं नेता प्रतिपक्ष, इनके लिए कमल ही उम्मीदवार है। PM ने बता दिया है कि कमल ही राजस्थान में उम्मीदवार है हमारी तरफ से, आप उसके लिए वोट कीजिए। गुटबाजी को कंट्रोल में रखने का भी एक तरीका है।